पास्कल्स लो क्या है कि मान लेते हैं कि एक छोटा सा हमने प्रिज्म के टाइप का एक बॉडी है जो हमने इस लिक्विड के अंदर डाल रखी है, ठीक है। और उस ये जो बॉडी है इसके फेसेस हैं आपके, ये जो कॉर्नर है ADCFBE, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि पास्कल लो क्या कहता है कि ईच एंड एवरी फेस विल हैव द सेम प्रेशर, ठीक है। पास्कल लो ये कहता है कि हर एक फेस पे जितना जो प्रेशर होगा वो सेम लगेगा। तो अब हमने इसको बहुत छोटा, देखो यहाँ पे पिक्चर में बहुत बड़ा दिखाया गया है, बट हम इसको बहुत छोटा सा मान लेते हैं। छोटा सा क्यों माना हमने इसको, क्योंकि जिससे कि इस पे ग्रेविटी भी काम न करे, क्योंकि जितना कम मास होगा उतना ही कम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इसके जो फेसेस हैं, एरिया ऑफ BEFC, एक जो इसका फेस है BEFC उसका एरिया हमने मान लिया AA, BEFC नीचे वाला फेस, ठीक है। नीचे वाला फेस पे जो फोर्स लग रहा है वो FA लगेगा, क्योंकि लिक्विड इस पे फोर्स लगाएगा, हर एक फेस पे इस फेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। सो दैट फोर्स इज BEFC के ऊपर हमने जो फोर्स लगा रखा है, जो लिक्विड उस पे फोर्स लगाएगा, जो फ्लूइड उस पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हमने FA कंसिडर कर लिया। और ये वाली जो सरफेस है ADFC इस पे हमने BFB फोर्स सपोज कर लिया, लेकिन फोर्स जो लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा, ठीक है। और FC इस वाली सरफेस पे हमने फोर्स मान लिया इसका, लेकिन उसी हिसाब से इसका एरिया भी, ADFC का एरिया हमने मान लिया, ADFC का एरिया हमने मान लिया है AB, और ADEB का एरिया हमने मान लिया है AC, ठीक है। समझ आई बात यहां तक? अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो FB है, FB आपका ये हो गया, यस ठीक सर। है। अब ये जो FB है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक ये कंपोनेंट होगा वर्टिकल, ठीक है। सर समझ आएगा? FB के सर हाँ, FB ये हो गया, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। यस सर यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा? FB FA के बराबर। ये FA है ना, FA यस ऊपर की सर तरफ लग रहा है, यस सर ठीक है। तो ये जो FA हो जाएगा आपका, यस FA हो जाएगा आपका, देखो, और ये एंगल इसने दिया है थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा है, सर ठीक है। ये एंगल है आपका थीटा, यस सर तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, FB cos थीटा सर और ये हो जाएगा आपका FB sin थीटा सर FB sin sin थीटा थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर तो यहां से हम लिख सकते हैं कि FB sin थीटा इज इक्वल टू FC लिख सकते हैं, यस सर और FB cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम FA। क्लियर है यहां तक? यस सर ओके। सिमिलर फैशन में हम AB साइन थीटा को AC लिख सकते हैं, और AB cos थीटा को हम A A लिख सकते हैं, सिमिलर तरीके से, ठीक है। यस ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं, FB को AB साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा? ये अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो यस जाएगा आपका FB FB साइन थीटा अपॉन AB साइन थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन AC, ठीक है। यस और इस वाली को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करो, तो FB cos थीटा अपॉन AB cos थीटा इज इक्वल टू FA अपॉन AA, क्लियर। यस तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपने क्या देखा कि
आपके एफ बी अपॉन ए बी किसके बराबर आ गया सर? एफ सी अपॉन एफ ए अपॉन ए ए इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। यस सर, यह हम कह सकते हैं कि एफ ए अपॉन ए ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। ये क्या है एफ ए और एफ बी? एफ बी क्या है? ये है पी ए, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, पी ए मतलब जो प्रेशर लग रहा है किस पे? इस वाले सरफेस के ऊपर, वो पी ए हो गया। इस वाले सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो पी बी हो गया। इस वाले सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो पी सी हो गया। इट मीन्स प्रेशर ऑन ऑल द सरफेसेस आर सेम। यही है पास्कल लॉ, प्रेशर ऑन ऑल द सरफेसेस ऑफ द बॉडी इनसाइड फ्लूइड आर सेम। क्लियर है? हर एक एंगल से कहीं से भी आप प्रेशर चेक करोगे तो उस पर प्रेशर सेम है। यस सर, इन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन कब की है? जब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिंपली हमने उसके लिक्विड के अंदर ऐसे ड्रॉप कर दिया बस उसको बिना किसी। यस सर, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो वो एक जगह स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो स्टेबल कंडीशन पे हम पास्कल लॉ को बता रहे हैं। क्लियर? लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।